वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, क्लास 10th, चैप्टर 12 चला हुआ हमारा, लेक्चर 2, क्लास 10th, फिजिक्स चैप्टर 12। कल हमने भाई कुछ टॉपिक पढ़े थे, चार्ज के बारे में, करंट के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, किसका फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला था। एक हमने Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दो क्वेश्चन पढ़े थे। आज पहले हम इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते, बाद में आगे चलते हैं। एक कंडक्टर क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ भाई क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, उसके अलावा जो न्यूमेरिकल है वो हम अदर किसी बुक की मदद लेके वहाँ से करने वाले, सोल और अनसोल दोनों करवा देंगे आपके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है भाई, क्या दे रखा है हमारे पास, यदि हम इसको सोल्व करने बैठे तो पहले तो हमें चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू बतानी, चार्ज की वैल्यू कैसे बताएंगे भाई, हम करंट I इज इक्वल टू किसके दे रखे हैं भाई, 0.2 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 एम्पियर। टाइम कितना हमारे पास, थर्टी सेकेंड। एक बार ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे यदि हम करंट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर, उसमें होना चाहिए। टाइम की बात करें, ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड में होना चाहिए। न्यूमेरिकल हम ऐसा यूनिट में ही सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे टाइम की वैल्यू, उसके बाद क्या पूछा भाई इसने, चार्ज पूछा है, चार्ज क्यू की वैल्यू बतानी है और एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, उसकी वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये वैल्यू हम इसके अंदर फाइंड आउट करनी। वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू कितनी है, 0.2, टाइम की वैल्यू 30, तो कितना हो गए, ये वैल्यू आ गई, इतने क्या है, कूलम, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, कूलम, यूनिट किसकी, हमारे पास चार्ज की, ठीक है। अब हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू इज इक्वल टू किसके होता है, एनी,
और n किसके हो जाएगा, q बाई ई। e क्या होता है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, फिक्स होती वैल्यू। q की वैल्यू 6 आई हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹। अब भाई इसको तो -19 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 16। 1.6 है, 16 एक जीरो और ऊपर लगा दिया हमने, इसको डिवाइड करें 3.75 × 10⁻¹⁹। इसकी कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो वैल्यू आई हमारे पास। दोबारा देख लो हमने किया क्या है इसके अंदर, कि यदि भाई आई दे रखा हो करंट की वैल्यू हो हमारे पास, और टाइम की वैल्यू हो, चार्ज हमसे पूछा हो, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने आई टी करके। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं उसकी वैल्यू पूछी थी, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया गया था। एन की वैल्यू निकाल ली क्यू बाई ई करके, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये था आपका पहला न्यूमेरिकल भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट करते हैं अभी। जीरो पॉइंट फाइव कूलम चार्ज पासिस थ्रो ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड, फाइंड द करंट। दो क्वेश्चन साथ साथ लिख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज टू फाउंड negative charge of 3 × 10⁻¹⁹, say -7 coulomb, estimate the number of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एक और लिख लेते चलो साथ साथ। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1500 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रो इट इन 5 मिनट। ये तीन न्यूमेरिकल और है भाई, देखते पहले इनको सोल्व करते। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन इन ए वायर, नीचे वाले से ही शुरुआत कर लेते ताकि रब करते हम इसको चल सके। कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 15, क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करवा रहे भाई। फोर का पहले चार्ज कितना दीवन है भाई हमारे पास, q इज इक्वल टू 1500 कूलम, टाइम कितना है
सर बहुत टाइम, टी इज इक्वल टू 5 मिनट, मीन्स यदि इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 300 सेकंड। क्या पूछा हमसे, करंट, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1500 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, 300 सेकेंड, तो कितना आ गया भैया, 5 एम्पियर। इसके ये न्यूमेरिकल, हालांकि पहले सेकेंड और फोर्थ हमारे पास एक जैसे ही, दोनों में चार्ज की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, लेकिन दोनों को करवाने के पीछे रीजन यही, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में था, 5 मिनट थी हमारे पास टाइम। अब मिनट को हमने पहले किस में चेंज किया है, सेकंड में, उसी के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जो 5 एम्पियर हमारा आया है ये बाद में आएगा, पहले आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। ये था फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था ये। सेकेंड जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बताया गया है भाई, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज टू बी फाइंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻⁷ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये है हमारे पास सॉल्यूशन इसका, चार्ज कितना है भाई हमारे पास, 3×10⁻⁷ कूलम। टाइम कितना है हमारे पास, सॉरी टाइम नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम यदि निकालें 1.6×10⁻¹⁹। अब हमें पता है वी नो क्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू Q बाई ई, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3×10⁻⁷, और ये 1.6×10⁻¹⁹। तो इस तरीके का यदि न्यूमेरिकल हमारे पास आता है भाई कभी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सोल्व करेंगे जो पावर दे रखी है हमारे पास, जो नेगेटिव पावर है, पहले उनको सोल्व कर लेंगे, मतलब ये जो है इसको सोल्व कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डेसिमल है 1 0 ऊपर लिख सकते हैं पहले, तो 30/16 एक हो गया, × 10⁻⁷ × 10⁻¹⁹। 10⁻⁷ और 10⁻⁹ प्लस के बेस से में पावर ऐड होंगे, कितनी बचेंगे, 12। इसको सोल्व करें तो × 10⁻¹⁹। ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई, किसकी वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। कर सकते हैं हम इसको आसानी से, कुछ भी नहीं था वही, क्यू इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। नेक्स्ट देखो, क्या क्वेश्चन है भाई, 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकंड फाइट द करंट। ये है क्वेश्चन हमारे पास, देखो इसका सॉल्यूशन, चार्ज कितना दे रखा है भाई, 0.5 कूलम, और टाइम कितना है हमारे पास, 5 सेकंड, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 0.5/5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 1/10, 0.1 एम्पियर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पे करंट की वैल्यू आ गई, ये आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से कर सकते हो इसको, आई थिंक आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपका इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे न्यूमेरिकल थे भाई वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो इसमें,
दो चार और कर लेते हैं, अभी टाइम है, दो चार मेडिकल आराम से हम कंप्लीट और कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ई, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फॉर द करंट इन द कंडक्टर। ये है क्वेश्चन भाई। अब यदि यहां से हम बात करें, क्वेश्चन फाइव है, एन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द कंडक्टर। ये है क्वेश्चन। यदि हम बात करें यहां से भाई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना भाई हमारे पास, ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन ई टोटल चार्ज। क्यू की वैल्यू है भैया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू कितना है, टी दे रखा है हमारे पास। करंट की वैल्यू यदि निकालते हैं, आई इज इक्वल टू किसके होता है भाई, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी, एन ई बाई टी। ये हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा किसके लिए, करंट के लिए। ठीक है, कर सकते हो आप आराम से, बिल्कुल आसान आसान न्यूमेरिकल है। थोड़े बस ये है कि यहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो आप प्लस टू में जाने के बाद जब इन्हीं टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। एक और कर लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ये है हमारे पास। इसमें भाई एक आपको वोल्टेज दे रखी है या पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास, आप आगे जाओगे तो इसका मतलब समझ जाओगे कि 200 वोल्ट क्यों है, क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है, उसमें आप आराम से इसको पता कर लोगे कि होती क्या है। अब भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी 0.5 एम्पियर हमारे पास,
ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी, तो हम इसको सोल्व करते चलो। करंट फ्लोइंग थ्रो आयरन कितना है भाई, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 या सीधा लिख सकते हैं हम 360 सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास, हमें निकालना क्या, चार्ज, चार्ज क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू ये हमारे पास, मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 0, ये आ जाए, इतने कूलाम चार्ज हमारा उसमें से फ्लो करेगा। तो आज हमने भाई पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर हमने क्या करवा, इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली हमारा मेनली, आप देखोगे तो हमने दो ही फॉर्मूले लिए, कौन कौन से, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इज इक्वल टू एन ई, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और करंट, इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। और इससे आई थिंक आपको अंदाजा आ गया होगा कि यदि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, एन की वैल्यू पूछे तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, चार्ज की वैल्यू पूछे तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और करंट की वैल्यू पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, उसके अंदर हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, थैंक यू।